और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन को यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो यह संभव नहीं है। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ शिवम। पिछले 30 दिनों से जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान जो लगातार केंद्र सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से जब आज हमने किसानों को लेकर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर एक विवादित बयान दे दिया है, और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए, और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और देखिए, बिहार ने तो जो कृषि बाजार समिति कानून था उसको तो 2006 में ही ख़त्म कर दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। किसानों को आज़ादी दी है कि अपनी उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बेच सकता है, कृषि उपज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन भी वो व्यापार कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। बिहार के अंदर ITC कंपनी जो आशीर्वाद आटा बनाती है, प्रति वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद बिहार के किसानों से करती है। पिछले साल 40,000 मेट्रिक टन मक्का ITC कंपनी ने खरीदा है और 10,000 मेट्रिक टन धान। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसको एक कानूनी जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंजाब में नेस्ले से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इसलिए मैं पंजाब की सीमा पर बैठे जो किसान हैं उनसे अपील करूंगा कि देश के सरकार ने, भारत की सरकार ने जो निमंत्रण दिया वार्ता करने के लिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, वार्ता की टेबल पर बैठे और जो उनके सुझाव हैं, जो संशोधन किया जा सकता है उसको करने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन को यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कानून किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। तो इसलिए किसानों को प्रतिष्ठा का प्रश्न ही बनाना चाहिए, और वो राजद कांग्रेस या जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनके बहकावे में ना आए। ये हनान मुल्ला कौन है? ये CPM के बड़े नेता जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव कौन है? और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि बिहार का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उसमें नक्सली हैं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह सुशील कुमार मोदी ने आज किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है, उन्हें नक्सली कह दिया है। और साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से जो किसान लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं उस जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें समर्थन कर रही है, ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस, राजद और लेफ्ट की पार्टियों पे भी हमला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो किसान हैं वो केंद्र सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, तो ऐसे में जो सरकार ने अपना कानून लाया है उस पर सरकार झुकती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन को यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो यह संभव नहीं है। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया।